गणपति बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए हम बनाएंगे नारियल के मोदक 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ 10 मिनट में। मोदक बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे देसी घी और इसको अब आप स्पून से अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड आउट करें ताकि एक तरफ ज़्यादा नहीं लगे। अब मैंने इसमें डाला है ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये बहुत बारीक है तो आप ध्यान रखें, जब भी आप मोदक बनाएं तो नारियल जब आप लें तो वो बारीक वाला हो। अगर आप फ्रेश भी ले रहे हैं तो उसको आप बारीक बारीक ग्रेट करें। अगर बहुत मोटा होगा तो उसमें टेस्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम या लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करें। आप इसको हाई फ्लेम पर कभी भी नहीं करें वरना कोकोनट डार्क हो जाएगा। तो आप देखें इसमें एक नटी अरोमा, एक खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी बिल्कुल बरकरार है। तो ये हमारा अब बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। इस पॉइंट पे जो गैस है वो बंद है क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है। हम चाहेंगे कि हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें उसके बाद गैस जलाएं, वरना ये बॉटम में चिपक सकता है। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए पकाऊंगी। आप हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं करें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर दूध है। बहुत बार लोग जब कंडेंस मिल्क से मोदक बनाते हैं तो उसमें दूध नहीं डालते, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आप डालें क्योंकि इससे जो मोदक हैं वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो अगर आप सिर्फ कंडेंस मिल्क डालेंगे तो वो ड्राई बन सकते हैं। तो हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक जो मिल्क है वो सारा कोकोनट अब्सॉर्ब कर ले और इसका एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर आए। ये अभी कढ़ाई के साइज़ में लग रहा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये लगना भी बंद हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा मोदक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है इस पॉइंट पे। अब डबल श्योर होने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ पे लें। ये इस पॉइंट पे गर्म है तो आप ध्यान से करें और हाथ में आप एक बॉल बनाने की कोशिश करें। ये ईजिली कम्बाइन हो गया है, मतलब दिस इज़ रेडी। अब इस मिक्सचर को आप निकालें एक बोल में और इसे 5 से 7 मिनट तक हम ठंडा होने को रख देंगे। तो आप देखें अब ये ल्यूक वार्म हो चुका है। ये बहुत ठंडा भी नहीं है, अभी भी थोड़ा गुनगुना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये मोल्ड मैंने मोदक के लिए हैं। मेरे पास 2 तरह के मोदक मोल्ड्स हैं, एक ये वाला, आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो आपका ये जो मिक्सचर है कोकोनट का, आप इस मोदक के मोल्ड में डालें। और जब भी आप मोदक मोल्ड में आप अपना मिक्सचर डालें, ध्यान रखें आप उसको अंदर की तरफ अच्छे से प्रेस करें, उससे जो लाइंस हैं आपकी मोदक की, जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी शेप मोदक की थोड़ी बिगड़ सकती है। अब आप इसको कस के प्रेस करें और एक्सेस जो मिक्सचर है आपके कोकोनट मोदक का वो आप निकाल दें। अब ध्यान से आप इसको जेंटली खोलें और जब भी आप मोदक को बाहर निकालें तो नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आप मोदक को बाहर निकालें। इससे जो ऊपर की शेप है वो कभी भी खराब नहीं होगी। अब आप देखिए मोदक निकालते वक्त ये लाइन साइड्स में आ जाती हैं, तो आप अपने हाथ से उंगलियों से इसको अंदर की तरफ प्रेस करें। मैंने हाथ को धो लिया है पानी से, उसके बाद मैं कर रही हूँ। अगर आप अपने मोदक जब आप बना रहे हैं उस कोकोनट के हाथ से करेंगे तो ये अच्छे सी शेप नहीं आएगी। तो अपने हाथ को धोने के बाद आप इसके साइड्स को अंदर की तरफ प्रेस करें। तो लीजिए तैयार हैं आपके बहुत ही झटपट से मॉइस्ट और डिलिशियस नारियल के मोदक। ज़रूर बनाइए इस गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। गणपति बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए हम बनाएंगे काजू के मोदक 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसान स्टेप्स में। काजू मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम काजुओं को ग्राइंड करेंगे। तो आप उसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और ग्राइंड करते वक्त आप ध्यान रखें आप एक साथ लगातार 1 मिनट के लिए ग्राइंड नहीं करें, 3 से 4 सेकंड करें, फिर बंद करें मिक्सर को और फिर करें।
इससे क्या होगा, जो काजू है उसकी पेस्ट नहीं बनेगी। अगर आप एक साथ एक या दो मिनट के लिए ग्राइंड कर देंगे तो ये ऑयल रिलीज़ कर देंगे और इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो आप देखें, मैंने इसे लगातार 5 से 10 सेकंड के गैप में इसको पीसा है। अब मैं इसको छानूंगी। अगर आप चाहें तो नहीं भी छाने, बट इसमें जनरली मोटे दाने रह जाते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ छानना। इससे जो काजू के मोदक है उनका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट आता है। आप देख सकते हैं जो मोटे काजू के पीसेस हैं वो ऊपर आ गए हैं। इनको भी अब मैं दोबारा ग्राइंड करूँगी। तो मैंने इसको पीस लिया है, एक बार फिर हम इसको छानेंगे। तो आप देखें, हमारे काजू पाउडर बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत स्मूथ हमने बनाया है इसे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आपके काजू के मोदक का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरी चीज़, बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। हलवाई भी इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं। तो अब ये जो मिक्सर है हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे चीनी और उसी के साथ पानी। हमें इसकी दो या एक तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें सिर्फ तब तक इसको कुक करना है जब शुगर हमारी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए और चाशनी थोड़ी थिक हो जाए। जैसे जब हम चाशनी बनाते हैं, बहुत पतली नहीं हो, थोड़ी गाढ़ी हो। तो आप इसको लगातार स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आप देखें, इस पॉइंट पे इसमें अच्छे बॉयल्स आने लग गए हैं। और अगर अब आप स्पून से उठा के चाशनी को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होगी, एक साथ पानी जैसे नहीं। ये साइन है कि आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे हमारा काजू का मिक्सचर। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब आप इस सबको अच्छे से कंबाइन करें। तो आप देखें, मिक्सचर अब हमारा चाशनी और काजू का मिल गया है। इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। आप हमेशा काजू को लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएं, हाई फ्लेम पे नहीं करें, वरना ये बहुत जल्दी चिपक सकता है। तो अब हम इसे कुक करेंगे जब तक ये साइड्स से लगना बंद हो जाए। आप देखें, 3 से 4 मिनट तक ये अब थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और फिर से हम इसको मिलाएंगे। देसी घी से टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इसे फिर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। आप देखें, बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। अब ये पैन से भी नहीं लग रहा, तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट है। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के, एक स्पून से आप हाथ में लें इसे, ये बहुत गर्म है इस पॉइंट पे, तो ध्यान से आप इसको टच करें। आप इसकी एक बॉल बनाने की कोशिश करें। देखिए, ये बन रही है। इसका मतलब हमारा काजू का मिक्सचर रेडी है। तो अब एक पैन में आप इसे बोल में ट्रांसफ़र करें। बोल को मैंने घी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसे ठंडा करने देंगे 5 से 6 मिनट तक। बहुत ज़्यादा आप ठंडा करने के लिए नहीं रखें, वरना ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और आप मोदक नहीं बना पाएंगे। तो आप देखें, अब 6 मिनट बाद ये जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं लगाऊंगी हाथों में घी और ये मोदक मोल्ड में ले रही हूँ मोदक बनाने के लिए, इस पर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब आप मिक्सचर को अपने हाथ में लें, ये अभी भी थोड़ा गर्म है। तो आप दोनों जो सांचे हैं उसमें अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप मिक्सचर को डालें। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है मोदक बनाते वक्त आपका मिक्सचर बहुत हार्ड हो गया है, तो आप कुछ टेबलस्पून, 1 से 2 टेबलस्पून पानी और घी का डाल के उसको अच्छे से दोबारा डो कंसिस्टेंसी का हाथ से गूंद लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप देखें, ये मोदक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये काजू के मोदक। तो इस गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाएं ये बहुत ही स्वादिष्ट काजू के मोदक और गणपति बप्पा को भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी के लिए हम बनाएंगे रवा केसर मोदक। ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत स्वादिष्ट भी। एक पैन में हम डालेंगे देसी घी
और जब घी हमारा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी। हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम या लो फ्लेम पे। आप ध्यान रखें सूजी को कभी भी हाई फ्लेम पे आप नहीं रोस्ट करें वरना ये जल सकती है और हम नहीं चाहते इसका कलर डार्क हो। तो आप इसको लो या मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए भुनें। आप देखें अब 3 मिनट बाद ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, एक खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, ये गरम दूध है, बहुत ज़रूरी है गरम दूध डालना। अगर आप ठंडा डालेंगे तो इसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं, तो आप लगातार स्टर करते हुए इसको मिक्स करें। अगेन फ्लेम आप अपनी मीडियम पे रखें। आपको अगर कहीं पे बीच में लम्ब्स दिख रहे हैं तो आप स्पून की हेल्प से उसको हटाएं। अब आप देखें 1 से 2 मिनट बाद ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी और इलायची पाउडर। अब आप इस सबको फिर से अच्छे से मिक्स करें। चीनी डालने के बाद हमेशा चीनी अपना पानी छोड़ती है तो मिक्सचर आपका अगेन थोड़ा वाटरी हो जाएगा। आप देखें थोड़ा पतला हो गया है। अब हमें इसे लगातार स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। आप देखेंगे जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये थिक हो जाएगा। मैंने और भी बहुत सारी मोदक की रेसिपीज़ बनाई हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो ज़रूर चेक करिए। अब हम इसमें डालेंगे सैफ्रन मिल्क, ये केसर का दूध है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आपको एक और बहुत अच्छी टिप दूंगी, अगर आपके पास ये नहीं है आप 2 चम्मच गर्म दूध लें, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और उसको मिक्स करके आप इसमें मिलाएं, बहुत ही प्यारा कलर आएगा और टेस्ट में आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें इस पॉइंट पे ये पैन से चिपक रहा है बट जैसे जैसे कुक होगा ये चिपकना बंद हो जाएगा। आप देखें अब ये थिक हो चुका है, मैंने 2 मिनट तक इसे भुना है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून घी और फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। आप साइड्स को भी अच्छे से स्क्रेप करें। तो ये टोटल मिक्सचर हमारा पूरा भुनने में 6 से 7 मिनट जाते हैं। आप देखें अब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, अब ये पैन से भी नहीं चिपक रहा, तो ये अब परफेक्ट है। अब हम इसे निकालेंगे एक बोल में ठंडा होने के लिए। स्पून की हेल्प से आप इसको स्प्रेड कर दें ताकि ये ठंडा आसानी से हो। आप इसे 6 से 7 मिनट तक ठंडा होने रख दें। मोदक की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे घी, उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम और काजू। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमें इसे रोस्ट करना है तब तक एक अच्छा लाइट गोल्डन कलर आए। इसके अंदर पिस्ता भी जा सकता है, जो आपको पसंद है। अगर आपको फिलिंग नहीं पसंद आप प्लेन भी बना सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगी आप फिलिंग डालें। इसी के साथ इसमें गई है किशमिश और इसको भी अब हम भुनेंगे। आप देखें 2 मिनट बाद ये अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स रोस्ट हो चुके हैं। इसे अब आप निकाल दें एक बोल के अंदर। इसी के साथ इसमें जाएगी पाउडर्ड शुगर और जो हमने रवा का मिक्सचर बनाया था मोदक का 1 स्पून, वो ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो सारी फिलिंग है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो आप इस सबको मिलाएं। मैं 1 चम्मच रवा मोदक मिक्सचर और डाल रही हूँ। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ये फिलिंग बना के डालें, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब 6 से 7 मिनट बाद हमारा मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। ये मैं मोदक के मोल्ड ले रही हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी शॉप या ऑनलाइन पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अब आप इसको डालें मिक्सचर को अंदर और पूरा अंदर तक नहीं भरें क्योंकि हमें फिलिंग डालनी है। अब आप ध्यान से इसको क्लोज करें और अपने फिंगर या स्पून की हेल्प से अंदर की तरफ इसको प्रेस करें। आपको सेंटर थोड़ा खाली रखना है क्योंकि हम इसमें फिलिंग भरेंगे, तो आप एक कैविटी की शेप दें। अब इसके अंदर आप डालें थोड़ी सी फिलिंग।
अगेन फिलिंग आप जितनी कम या ज़्यादा डालना चाहें कर सकते हैं, बट इतना भी ओवरफिल ना करें कि वो अच्छे से नहीं बंद हो पाए। अब थोड़ा सा आप मिक्सचर और लगाएं बॉटम पे और मोदक को कवर करें। अब जो साइड्स में जो एक्स्ट्रा है आप वो भी निकाल दें, इससे जो आपके मोदक हैं उसके एजेस बहुत शार्प और अच्छे आएंगे। और अब जेंटली आप इसको खोलते हुए मोदक के बेस को प्रेस करते हुए आप इसको बाहर निकालें, इससे ये इजीली बाहर आ जाएंगे। तो लीजिए तैयार है आपके रवा और केसर मोदक, ज़रूर बनाइए इस गणेश चतुर्थी और भोग लगाइए गणपति बप्पा को। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी एक नई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले वो मिलेगी देखने को फ्री में।